मारुति से महाराज केसरी पूछते हैं, पुत्र मारुति, ये क्या विचित्र क्रीड़ा है? आप यहां महल में पहले से उपस्थित हो अथवा बाग से सारे आम खाने की बात भी स्वीकार कर रहे हो? ये दोनों कार्य एक साथ कैसे संभव है और ऐसा करने का कारण क्या है? ये सुनकर बाल मारुति कहते हैं, वास्तविकता तो यह है पिताश्री कि हमने बाग में माली को सारे मीठे आम छुपाकर अलग बोरी में रखते हुए देखा। तब हमने उनसे पूछा, अरे माली काका, आप इन मीठे फलों को अलग स्थान पर क्यों रख रहे हो? तब माली काका ने हमको डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख बालक, ये सारे आम मैं अपने घर ले जाऊंगा और सारे स्वाद रहित आम बाजार में ग्रामवासियों के लिए जाएंगे। इस पर मारुति कहते हैं कि अरे माली काका, परंतु ये तो सभी ग्रामवासियों के साथ छल हुआ ना? माली झुंझलाते हुए कहता है, अरे दुष्ट बालक, तुम क्या हमेशा ही इतने प्रश्न पूछते हो? चलो भागो यहां से, नहीं तो हम सबसे कह देंगे कि सारे मीठे आम तुम खा गए हो, इसी कारणवश हमें बाजार में स्वाद रहित आम बेचने पड़े। फिर मारुति महाराज केसरी से आगे कहते हैं कि पिताश्री, आप माली काका को दंड मत दीजिए, लेकिन माली काका से ये वचन अवश्य ले लीजिए कि भविष्य में वो मीठे आमों की चोरी के तहत ग्रामवासियों से छल ना करें। महाराज केसरी नन्हे मारुति की बात सुनकर माली को कड़े स्वर में कहते हैं, सुनो माली, हम तुम्हें ये चेतावनी देते हैं कि भविष्य में अगर तुमने ऐसा अपराध किया तो तुम्हें आम के पेड़ से बांधकर दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे। इतना सुनकर माली ने महाराज के समक्ष हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज हमें क्षमा कर दें, मेरा अपराध दंडनीय है, परंतु मैं आगे से भविष्य में कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे ग्रामवासियों के साथ छल हो। तत्पश्चात महाराज केसरी के बोलने से पहले मारुति नटखट तोतले स्वर में बोल पड़े, और सुनो माली काका, भविष्य में हमें और हमारे साथियों को आम भी मुफ्त में मिलने चाहिए। वहीं राजमहल में उपस्थित सारे लोग बाल मारुति की यह बात सुनकर हंसने लगते हैं। तब माता अंजनी महाराज केसरी से कहती हैं, इस माली और आम की भूल भुलैया में हम तो भूल ही गए कि हमें मारुति के जन्मोत्सव के भोज का निमंत्रण देने भी जाना है, क्योंकि आज इस नटखट मारुति का 5वां जन्म दिवस भी है। अपनी माता की ये बात सुनकर मारुति चहक उठते हैं और अपनी माता से कहते हैं, माताश्री माताश्री, क्या हम अपने जन्म दिवस का निमंत्रण ग्रामवासियों को स्वयं दे आए? माता अंजनी कहती हैं, अच्छा युवराज मारुति, आप अपने जन्मदिवस का निमंत्रण स्वयं देंगे? और क्या हम जान सकते हैं कि आप निमंत्रण क्यों देना चाहते हैं? नन्हे मारुति इतराते हुए तुतली आवाज में माता से कहते हैं, अरे माताश्री, वो हम आपको कुछ समय पश्चात बता देंगे, अभी हम जा रहे हैं सभी को भोज के लिए निमंत्रण देने। इतना कहते ही मारुति नन्हे कदमों के साथ भाग खड़े होते हैं और माता अंजनी पीछे से मारुति मारुति कहकर उन्हें पुकारती रहती हैं। लेकिन मारुति कहां किसी की सुनने वाले थे। महल से निकलने के पश्चात मारुति ग्रामवासियों के घर जाकर द्वार खुलवाते हैं और द्वार खुलते ही एक काकी बाहर आकर कहती हैं, अरे मारुति, तुम आज अकेले कहां फुदकते फिर रहे हो और आज तुम्हारा मेरी कुटिया में कैसे आना हुआ? फिर मारुति बूढ़ी काकी से चहकते हुए कहते हैं, काकी, आज हमारा जन्म दिवस है, आप अपने पूरे परिवार सहित हमारे यहां पधारिएगा और खाली हाथ मत आइएगा, हमारे लिए उपहार स्वरूप कुछ लेकर आइएगा। तत्पश्चात वो काकी मारुति से बहुत धीमे स्वर में मुस्कुराती हुई कहती हैं, अच्छा तो ये बात है, हमारा मारुति अपनी इच्छा अनुसार उपहार चाहता है, इसलिए इतना श्रम कर रहा है पूरे गांव में निमंत्रण देने का। अच्छा तो मारुति ये बताओ कि क्या भेंट चाहिए आपको आपके जन्म दिवस पर? मारुति फिर काकी से बहुत धीमे स्वर में तुतलाते हुए कहते हैं, अरे काकी, तनिक नीचे बैठो,
हम आपके कान में बताते हैं कि हमें क्या उपहार चाहिए, अन्यथा कोई सुन लेगा तो समस्या हो जाएगी। काकी नीचे बैठकर कान मारुति की तरफ करती हैं, तो मारुति फुसफुसाते हुए उन्हें उपहार की बात बता देते हैं। काकी, अच्छा अब हम चलते हैं, आप हमारे लिए उपहार लाना मत भूलना। और हम अब प्रस्थान करते हैं, हमें और भी लोगों के यहाँ जाना है भोज का निमंत्रण देने। काकी नन्हे मारुति के चले जाने पर भी स्वयं से हंसते हुए कहती हैं, ईश्वर ने इस छोटे से बालक में इतनी बुद्धि और चंचलता एक साथ समाहित कर दी है, ये अवश्य कुछ विशेष कार्य हेतु धरती पर आया है। हे शंभू कैलाशपति, हर ले सब असुरों की मति। एक तरफ जहां मारुति गांव में सभी को अपने जन्म दिवस पर निमंत्रण देने के लिए निकल पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ माता अंजनी ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी, मारुति अपने जन्म दिवस का निमंत्रण पूरे ग्राम में देने गए हैं और महाशय अभी तक लौटे नहीं हैं। आप तनिक पता लगाइए कि कहीं अपने मित्रों के साथ फिर से कोई उद्दंडता ना कर रहे हो। जामवंत माता अंजनी से हंसते हुए कहते हैं, माता आप चिंतित ना हो, मारुति नटखट अवश्य हैं, किंतु उनकी हर उद्दंडता में किसी ना किसी के कल्याण का उद्देश्य ही छिपा होता है। मैं अभी जाकर मारुति को खोज कर लाता हूं। इतना कहकर जामवंत जी मारुति को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह पर आकर वो ठहर जाते हैं, क्योंकि वहां से कुछ दूरी पर एक विचित्र दृश्य नजर आ रहा होता है, जिसके साक्षी वहां स्थित गांव वाले हैं। और ये दृश्य जामवंत जी को भी दुविधा में डाल देता है। तो क्या था यह अचंभित करने वाला दृश्य? कहीं कोई विपत्ति तो नहीं? वहीं बाग के रास्ते से होकर जब मारुति महल की ओर जा रहे होते हैं, तब मारुति एक जगह पर आकर ठिटक कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां के निकटवर्ती सभी ग्रामवासी मदद की गुहार लगाते हुए भागते जा रहे हैं, रक्षा करो, रक्षा करो। ग्रामवासियों के बीच ये भीषण भगदड़ मचा हुआ देखकर बाल मारुति शीघ्रता से आगे बढ़ने लगते हैं। तब वे देखते हैं कि वहां ग्रामवासियों के साथ साथ पशु प्राणी भी भागते जा रहे हैं। बाल मारुति कुछ लोगों को रोककर इस भगदड़ का कारण भी पूछते हैं, काका काकी, आप सब लोग इस तरह से क्यों भाग रहे हैं? ऐसी कौन सी विपत्ति है? मगर बाल मारुति के प्रश्न का कोई भी कुछ उत्तर नहीं देता और वे सभी लोग भागते ही चले जाते हैं। हमें अब स्वयं ही इस दुविधा का उत्तर जानना होगा। इतना कहकर बाल मारुति ग्रामवासियों के भगदड़ के उल्टी दिशा की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। वहीं उस ग्राम के निकट पहुंचकर बाल मारुति को उनके प्रश्न का उत्तर स्वयं ही मिल जाता है, क्योंकि वहां ग्राम के ठीक बीचों बीच एक स्थान जहां एक तबेला है, वहां अब भी एक भगदड़ मची हुई है और कुछ साहसी गांव वाले अब भी उस क्षेत्र को घेर कर खड़े हैं और शोर कर रहे हैं, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो हमारी गौ माता की। गाय और कुछ गाय के बछड़ों से घिरा वो तबेला इस समय शोर और कोलाहल का केंद्र बना हुआ है। कोई तो रक्षा करो हमारी गौ माता की। तभी बाल मारुति ने देखा कि एक डेढ़ गज का विषैला सांप उस तबेले में अपना फन फैलाए फुफकार रहा है, और ये सांप देखने पर ही अति विषधर ज्ञात हो रहा होता है। ये दृश्य देखकर बाल मारुति विस्मय करने की जगह एक मृदु मुस्कान से भर जाते हैं। तो ये समस्या है, परंतु इसका निदान केवल हमारे पास है। इतना कहकर बाल मारुति स्वयं ही उस तबेले के अंदर प्रविष्ट होने लगते हैं। वहीं वो विषैला सांप लगातार अपनी जिह्वा बाहर निकालकर फुंकार रहा होता है, और उसकी इस गतिविधि के कारण उस ग्वाले की सांसें तक अवरुद्ध होने लगती हैं। नहीं बालक, आगे मत जाओ, ये सांप
तुम्हें कोई क्षति पहुंचा सकता है। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, एक वृद्ध ग्वाले ने भयभीत स्वर में कहा। परंतु बाल मारुति भय से भयभीत होने वाले थोड़े ही ना है। और ये क्या, जैसे ही बाल मारुति उस विषधर सांप के करीब बढ़ते हैं, वो विषैला सांप और अत्यधिक फन फैलाए एक प्रकार से उनके ऊपर धावा बोल देता है। बाल मारुति भी इस धावे के लिए पहले से तैयार थे और अगले एक क्षण उन्होंने उस विषधर सांप को उसकी पूंछ से पकड़कर जोर से धरा पर पटक दिया। हमारे संग दुस्साहस, तुम हमें क्षति पहुंचाओगे, बाल मारुति ने सांप की पूंछ पकड़े हुए कहा। और अभी वो विषधर सांप संभल भी नहीं पाया था कि उसके अगले एक क्षण मारुति ने उस सांप को धूल चटाना प्रारंभ कर दिया।